माता जी की मूर्ति स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा लगता है कि अगले वर्ष माता जी चाहेंगी तो वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो जाएगा, माता जी स्थापित हो जाएंगी और सिर्फ मात्र कुछ खर्चे डेकोरेशन के वगैरह होंगे और परमानेंट मंदिर होने की वजह से सारे आयोजन मंदिर के द्वारा होंगे। तो ये तीसरा वर्ष है, फिर लगातार माता जी का हर वर्ष चलता ही रहेगा। नवरात्रि का समापन, 9 दिन के 9 रंग। जी हाँ, नेताजी हाउसिंग सोसाइटी में श्री दुर्गा माता उत्सव मंडल के अध्यक्ष राजेश शुक्ला एवं मंडल के ही पदाधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा आयोजित माता रानी की स्थापना के अवसर पर इन 9 दिनों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। पंडित जी, ये बताइए कि आप अध्यक्ष हैं तो 9 दिन में क्या क्या विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया मंडल में? माता दुर्गा उत्सव मंडल नेताजी सोसाइटी में सभी सदस्य ने मिलकर माता जी को स्थापित किया और आज विसर्जन का दिन है। इन 9 दिनों में माता जी की बहुत उपासना की गई और बहुत विशेषता ही माता जी ने आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखा कि कम समय में और कम चंदे में भी हम लोग ये काम कर लेते हैं और सोसाइटी में ही हम लोग सब व्यवस्था करते हैं। जिसमें 9 दिन चले आयोजन में सुबह शाम रोजाना आरती, बच्चों के लिए खेल एवं खास बात यह भी रही कि रोजाना महाप्रसाद का आयोजन भी होता रहा। इस आयोजन में विशिष्ट गणमान्यों में दयाशंकर तिवारी, विकास ठाकरे, नरेश बर्डे, नरेंद्र जिचकार, गणेश चाचेकर, गिरीश गोलवंशी सहित अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने सहभाग भी लिया। इन 9 दिनों में हमारे पास गणमान्य में माननीय श्री नरेंद्र जिचकार जी भी आए हैं, हमारे पास माननीय श्री नरेश राव जी बर्डे जी भी आए हैं, उसके बाद हमारे पास माननीय श्री दयाशंकर जी तिवारी भी आए हैं और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता श्री गणेश जी चाचरेकर जो गुही भाई के नाम से यहाँ जाने जाते हैं, उन्होंने भी आए और बहुत सी सहयोग सभी ने किया है और माता जी के इस कार्य में सभी ने सहयोग अच्छा दिया। माता जी का जागरण का भी कार्यक्रम हुआ, टी सीरीज के प्रसिद्ध कलाकार श्री उमेश तिवारी जी ने अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराकर अपना जस गायन दिया जिसमें बहुत लोगों ने उपस्थित किया। इन 9 दिनों में हमने एक विशेष ये आयोजन रखा था कि लोगों को घर में भोजन बनाना ना पड़े, इसलिए 9 के 9 दिन हमने वहाँ पर महाप्रसाद भी रखा था ताकि लोग औरतें जो उपवास रहती 9 दिन की उनको फिर घर में जाने के बाद आरती की तकलीफ होती थी, इसलिए उनको पहले व्यवस्था दे दी गई थी कि आप लोग यहाँ पर आए प्रसाद पाए और तकलीफ ना हो किसी को, इसलिए हमने सब लोगों को महाप्रसाद बनाकर रखा था और आज भी समापन के दिन भी हमने वही व्यवस्था रखी है ताकि लोग माता जी के विसर्जन में भी आनंदित होकर रहे और माता जी को बड़े प्यार से उनको विदा कर सके। कितने साल से ये आप माता रानी को? ये हमारा 3रा वर्ष है और इसके बाद शायद ही माता जी की मूर्ति स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा लगता है कि अगले वर्ष माता जी चाहेंगी तो वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो जाएगा, माता जी स्थापित हो जाएंगी और सिर्फ मात्र कुछ खर्चे डेकोरेशन के वगैरह होंगे और परमानेंट मंदिर होने की वजह से सारे आयोजन मंदिर के द्वारा होंगे। तो ये 3रा वर्ष है, फिर लगातार माता जी का हर वर्ष चलता ही रहेगा। तो समझ लो मंदिर स्थापित हो जाते तो आगे की योजना क्या है फिर आपके पास? आगे की योजना फिर समाज के कल्याण के हेतु जो भी काम हो सकते हैं वो किए जाएंगे मंदिर के द्वारा, यही उद्देश्य है। बहरहाल सामाजिक कार्यकर्ता राजेश शुक्ला द्वारा आयोजित देवी स्थापना पर हर साल की जाती है, पर उन्होंने अपना लक्ष्य भी रखा है कि नेताजी हाउसिंग सोसाइटी में अगले वर्ष माता रानी के मंदिर का निर्माण करने का, जिसके लिए क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने राजेश शुक्ला का अवश्य सहयोग करना चाहिए। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, कृष्णा यादव।
उनके साथ आप करवाते रहिए। हम माता जी को लेकर निकल जाएंगे।